नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के 78 विजयनगर स्थित शासकीय अस्पताल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जिस तरह से पूरे देश में किल्लत हुई थी, उसी को देखते हुए FMC द्वारा अरण्य नगर स्थित शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। इसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया। इस दौरान मंच पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला FMC कंपनी अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिल क्षेत्र के एक छोटे से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट जनभागीदारी से लगाया गया, जिसमें FMC और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला को बधाई दी। वहीं FMC कंपनी का अध्यक्ष रवि ने बताया कि FMC कृषि विज्ञान के लिए किसानों के लिए काम करती है और किसानों की फसल सुरक्षा के लिए नए नए प्रोडक्ट लेकर आता है। ऐसे को देखते हुए इंदौर में ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए। FMC द्वारा शिवपुरी और इंदौर में ऑक्सीजन प्लांट खोले गए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए खोले गए हैं। साथ ही जहां जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां RO के प्लांट भी लगाने के बाद FMC अध्यक्ष ने की। सबसे पहले FMC कंपनी और रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेल क्षेत्र के इस छोटे से हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी से लगाया। FMC कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने यहाँ के अलावा अन्य स्थानों पर भी ऑक्सीजन प्लांट दिए थे। हमारे जागरूक विधायक रमेश जी के प्रयास से यहाँ पर इंदौर में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड की दूसरी महामारी के दौरान जिस तरीके से सारे देश में हाहाकार मचा था, उसमें इंदौर भी बचा नहीं था। उस समय ऑक्सीजन की एकदम शॉर्टेज पड़ गई थी। हम सब लोगों ने मिलकर रिलायंस से, हमारे मित्रों ने अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन देकर इंदौर में काफ़ी लोगों को बचाया। पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी भी प्रकार कोविड नहीं, किसी भी प्रकार के चैलेंज यदि इंदौर के पास होंगे तो इंदौर का समाज, इंदौर का मेडिकल जगत और सामाजिक संस्थाएं सब मिलकर इंदौर के लिए काम करेंगी। इसका उदाहरण जीता जागता आज इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं आप। 30 बेडेड छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगा है। अभी रमेश जी मिल क्षेत्र में एक और 108 बेडेड हॉस्पिटल जन भागीदारी से बना रहे हैं, बीमा हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी करीब करीब काफ़ी तैयारियाँ पूरी हो गई। उस हॉस्पिटल को भी जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं और वो भी एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल होगा जहाँ सभी प्रकार के इलाज होंगे। कोविड की महामारी नहीं आए पर उसकी तैयारी भी वहाँ पर ध्यान में रखकर उस हॉस्पिटल में हो रही है। मैं इस अवसर पर रमेश जी को धन्यवाद देता हूँ। FMC कंपनी के मिस्टर राजू जी यहाँ पर बैठे, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के नागरिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उनको एक सौगात मिल रही है। और किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनी और किस तरह से आगे शहर में सौगातें मिल रही है? सो FMC कंपनी जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है और किसानों की फसल सुरक्षा के लिए हम नए प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो अभी जो ये ऑक्सीजन प्लांट जो है, हमने 8 ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए। जब कोरोना की महामारी हुई और ऑक्सीजन की जब शॉर्टेज हुई तब हमने 8 ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए। तो मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली 2 किए, तो यहाँ पे और एक शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में एक और है, तो वो 2 हैं। और इसके अलावा और बहुत काम कर रहे हैं हम समाज के लिए। तो हम एक अभी जो है वाटर प्यूरीफायर प्लांट लगा रहे हैं MP में। तो अभी 15 प्लांट लगेंगे, अगले 2 साल में 15 प्लांट लगेंगे। तो जहाँ जहाँ पानी का एक्सेस नहीं है वहाँ पे RO प्लांट लगेंगे और वो रिवर्स ऑस्मोसिस के होते, तो एक प्लांट 5 विलेजेस को पानी दे सकता है, प्योर पानी। तो ये पेयजल, शुद्ध पेयजल मिलेगा लोगों को। तो ऐसे 15 प्लांट हम लगाने वाले हैं MP में। आपका परिचय? मेरा नाम है रवि अनवरकू, मैं FMC कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ कंट्री वाइड। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।